नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मंडे से वापस हम शुरू कर रहे हैं डेली एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एज वेल एज कोई स्विंग में स्टॉक रहेगा तो डेफिनेट मैं आपके लिए आऊँगा। दोस्तों मैंने स्टॉक दिए थे पिछले हफ्ते CDSL और हैवेल्स का। CDSL ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, एक ही दिन में 10% दिया। उसके दूसरे दिन सडन एक बहुत शार्प सेलिंग आई, इसलिए वो वापस थोड़ा 4-5% डाउन हुआ, लेकिन उससे उसने वापस वहाँ पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर के साइड जा रहा है। तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली वो काम में आएगा। ओके तो दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं दोनों इंडेक्स क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एनालिसिस करके रखा हुआ आपके लिए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सिनारियो बन के आ रहा है। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, ओके, और बैंक निफ्टी अभी तक उसने प्रीवियस हाई अभी तक काटा नहीं है। निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन साइड में, मतलब डाउन साइड मतलब ऑल टाइम हाई पे है, और इसने पिछले वाले हाई को ब्रेक करके वापस 200 पॉइंट के ऊपर रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो अभी मंडे को क्या हो सकता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे निफ्टी का हमने जो एनालिसिस किया है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये ट्रेंड लाइन को मॉनिटर कीजिए। दो बार इसने सपोर्ट लिया है, डेफिनेटली थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे थर्ड टाइम आने के बाद मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करके नीचे जाएगी। तो दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, तो फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे अगर 20,130 के आसपास अगर आपको निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे या कोई पिन बार कैंडल आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, और उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे कन्फर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सपोर्ट के पास क्या प्राइस एक्शन बन रही है, अगर सपोर्ट ले रहा है उसका कन्फर्मेशन मिल रहा है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये लेवल के ऊपर एंट्री करनी है, और आपका ये SL रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो उसका प्रीवियस हाई रहेगा। मतलब यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, और यही आपको SL लगाना है, लेकिन हमारी पुट की एंट्री जो एग्जीक्यूट होगी अभी 20,000 के नीचे, हमारा 20,000 के नीचे ही PE में बैठेंगे। दोस्तों PE 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड नंबर है, एज वेल एज एक अच्छा सपोर्ट बन के काम कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली बाय में बैठना है, और यहाँ से आपको टारगेट लगभग जो मैं बताना चाहूंगा कि 100 पॉइंट्स का हमें निफ्टी में टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैट का सिनारियो देख लिया दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओके, और ये लेवल के ऊपर गैप डाउन होता है तो वेट करना है। गैप डाउन के सिनारियो में हमें वेट करना है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, रेड कैंडल बनती है, और सेकेंड कैंडल कन्फर्मेशन के साथ अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दे देती है, तो वापस हमें थोड़ा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने दो, और होने के बाद अगर कोई पुल बैक में यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो ही हम पुट में एंट्री बनाएंगे, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वापस यहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा 20,042 तक। ओके 20,042 तक हम टारगेट रखेंगे, अगर ये लेवल 20,115 अगर ब्रेक कर और 20,100 ब्रेक कर देता है तो ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनती है और उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, लेकिन ये इमिडिएटली वापस ही ऊपर आ जाता है 20,130 के ऊपर, ओके 20,130 के ऊपर अगर वापस आ जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कॉल में बैठना है। कॉल में बैठने के बाद यहाँ से आपको 30 पॉइंट का SL रखना है, टारगेट हमारा वापस रहेगा 20,250 तक हमारा टारगेट रहेगा, जो कि लगभग यहाँ से 125 का हमें टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। दोस्त अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ ये लेवल पे आता है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन और बेरिश कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है और उसका कन्फर्मेशन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा हम पुट में स्कैल्पिंग के लिए ये ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको 50-60 पॉइंट का डाउन मोमेंट देखने को मिल सकता है, स्कैल्पिंग ट्रेड होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको यही SL लगाना है, और यहाँ से आपका टारगेट वापस रहेगा लगभग 20,170 तक। 20,170 तक आने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है और यही पे होल्ड करता है, ओके ये होल्ड करता है और उसका ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे पूरा आसमान खुला है दोस्तों। यहाँ से ऊपर कब कितना जाएगा उसका हम नहीं बता सकते। यहाँ पे 100 पॉइंट्स भी जा सकता है, 200 पॉइंट्स भी जा सकता है और 300 पॉइंट्स भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड कोई भी अभी रेजिस्टेंस नहीं निफ्टी को। तो हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि दोस्तों हमें 20,500 दिख रहा है या 19,500 दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमारा यही वीडियो जो देखा रहेगा आपने, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए रहेगा, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं निफ्टी। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल पे आने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, उसका ब्रेकआउट दे रहा है और पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ पुल बैक में ही एंट्री लेना है, अगर ट्रेड छूट जाता है वन में तो छोड़ दो, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन कहता है कि अगर ब्रेकआउट के बाद आपको पुल बैक में अगर ग्रीन कैंडल बन रही तो एसएल बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों, इस लेवल पे एसएल बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे हमें रिस्क मिनिमाइज करनी है, रिस्क बढ़ानी नहीं है दोस्तों, रिस्क मिनिमम रखना है हमें, जो कि हमारा जो रिस्क मिनिमम रहेगा और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे आपको पुल बैक में एंट्री लेनी है, टारगेट यहाँ से वापस 20,350 तक हमें मिल सकते हैं और 400 तक भी मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उसका कन्फर्मेशन और ये लेवल को काट देता है, 20,220 को काट देता है और उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, वापस पुल बैक में ही एंट्री ढूंढेंगे और टारगेट वापस 350 तक रहेंगे। अगर ये गैप ओपन होता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है और पुल बैक में आने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और नीचे आ जाता है, 20,200 के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हम पुट में एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ये पुल बैक से वापस नीचे आएगा और ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, जो लेवल मैं बताना चाहूँगा ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो लेवल हमें दिख रहा है 20,150 तक, मतलब यहाँ से 70 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है निफ्टी। दोस्तों ये लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखिए, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेंगे, नीचे के ग्रीन वाले और ऊपर का ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है इस लेवल पे, ट्रेंड लाइन का भी और एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का ये अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन क्या रहा है। मैं पहली बात तो आपको ये 1 आवर चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों, 1 आवर चार्ट में देखोगे आप एक बहुत ही एक जो सेलिंग जोन है, ये इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन के आने के पास, ये रेजिस्टेंस जोन के आने के पास यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स रहते हैं जो पुश करेंगे यहाँ से मार्केट नीचे ले जाने के लिए, लेकिन हमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इस लेवल पे वो देखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 आवर चार्ट पे यहाँ से देखोगे तो यहाँ से रिटर्न हुई थी रैली, जो 3,000 पॉइंट का हमें रैली डाउन साइड देखने को मिला था और ये एक बार आया था और ये सेकेंड टाइम आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, ये वापस थर्ड टाइम आया है, तो यहाँ पे चांसेस हमें तो दिख रहे हैं ऊपर जाने के, लेकिन हम लेवल के हिसाब से काम करेंगे और उसी लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। ये हो गया फर्स्ट एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चैनल के तरह काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये चैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस चैनल के अंदर ही बैंक निफ्टी काम कर रहा है और ये चैनल के अपर साइड में अभी सस्टेन कर रहा है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में 47,000 तक भी जा सकता है, तो हमें उसी हिसाब से, एक दिन में नहीं जाएगा डेफिनेटली, एक हफ्ता लग सकता है इसको, लेकिन उसी हिसाब से हमें ट्रेड बनाना है दोस्तों। यहाँ पे एक वापस एक पॉजिटिव मुझे एक प्राइस एक्शन दिख रही है कि पूरा दिन यहाँ पे 6 घंटा बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही एक प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है। अगर मंडे को दोस्तों बैंक निफ्टी 1 घंटा यहाँ पे ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे देता है, 1 घंटा वापस बोल रहा हूँ, अगर 1 आवर अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी एक साइड, अगर 1 घंटा अगर सस्टेन हो जाता है और ये चैनल के अपर साइड को भी, अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली 47,000 हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। ओके तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये डेफिनेटली नीचे साइड आएगा,
और ये लेवल हमारा एक 46,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है और सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ से वो ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें बाय के लिए बैठना है। यहाँ से 300 पॉइंट्स का आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर इसको ऊपर ही जाना है इस लेवल से, तो डेफिनेटली लेवल को भी काट देगा और वन वे रैली हमें 46,700 तक देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से आपको फ्लैट ओपन होने के बाद आपको वो सिनारियो में काम करना है। वापिस बता रहा हूँ दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है ए लेवल पे, अगर सपोर्ट 46,000 के आसपास अगर आपको मिल रहा है सपोर्ट लेते हुए और प्राइस एक्शन बन के ऊपर जा रहा है, लेवल वो 46,100 वापिस ऊपर काट रहा है, यहाँ पे पुल बैक में डेफिनेटली एंट्री बनाइए। 46,300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड 500 और थर्ड हमारा ट्रेंड लाइन का 800 का जो टारगेट है वहाँ तक ये जाना चाहिए। ओके, इस लेवल पे इंट्राडे लेवल में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर ये ब्रेक यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली होल्ड करना है इस लेवल तक, 46,500 और 700 तक। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है और ये लेवल के पास गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन होता है और पहली कैंडल रेड बनती है और दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डेफिनेटली कॉल में ही बैठना है दोस्तों। कॉल में आपको एंट्री बनानी है और आपका यही एसएल रहेगा, टारगेट मेरा वापस वही रहेगा 46,300 और 500 और 800 तक। 46,500, 300, 500 और 800 हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों, उस हिसाब से आपको काम करना है। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर के साइड जा रहा है और 46,350, वापस बोल रहा हूँ, 46,350 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है फॉर 15 मिनट्स, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल की एंट्री बनानी है और हमारे टारगेट्स 46,800 तक रहेंगे उसी दिन के लिए। दोस्तों अगर गैप ओपन होता है, गैप ओपन होता है और लेवल को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, डेफिनेटली पुल बैक में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो कॉल में ही बैठना है। टारगेट वापस 46,500, 700 और 800 हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस कर लिया। बैंक निफ्टी का एक लेवल बताना चाहूँगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पे ऊपर जाके वापस ये लेवल पे आ रहा है और यहीं पे सस्टेन कर रहा है, आपको देखना है कि 2 घंटा अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और उसके बाद ये लेवल को काट रहा है, तो डेफिनेटली वापस ये ट्रेंड लाइन तक आएगा। यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट्स हमें डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, मैंने आपके लिए ट्रेवल्स ऑलरेडी लेवल्स चार्ट में बना के रखे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, इसी हिसाब से आपको काम करना है और उसी हिसाब से आपको एसएल और टारगेट के साथ मार्केट में बने रहना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।